आप देख रहे हैं 9 बजे टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, जर्मनी में इंतखाब हुए, लम्हा ब लम्हा मरहला वार चीज़ें होती रहीं और आखिर कल जो गुजर गया है वहाँ नए वजीर आजम का इंतखाब हो चुका है। 16 साल इकतदार जो था हमारी चांसलर का, फ्रॉ मर्कल का, वो अख्ताम हुआ। अरफान खान साहब से पता करेंगे इस बारे में कि कल जब हलफ उठाया गया या उससे पहले और इसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वाइसलाम सर, ये कल बताइएगा। बड़े खुश सलूबी से, कोई हल्लड़बाजी नहीं हुई, कोई दूसरा चीजें नहीं हुई जिस तरह आम ममालिक में हो जाती है। बड़े आराम से ये मरहला भी तय हो गया। अलबत्ता ये खबर आई है कि AFD ने तालियां नहीं बजाई उसने, तो अब बताइएगा, आप सारी खबर दीजिएगा। देखें, हुल्लड़बाजी क्या होती, जब कैंडिडेट ही एक था, मुखालिफ कैंडिडेट ही कोई था जी चांसलर के लिए, जी कोई वोटिंग तो हो रही नहीं थी, जी जिसके भी मुकाबले में वोटिंग होती कि हाँ जी दो आदमियों के दरमियान मुकाबला है, वो कैफियत तो नहीं थी। जी और शल्स जो है वो 3 इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार थे और वही मतलब एक एक कैंडिडेट थे चांसलर के लिए। जर्मनी का तरीकाकार यही है कि भाई जब हुकूमत बन जाती है आपस में इत्तेहाद हो जाता है, साइन हो जाते हैं जब एक इत्तेहाद के, तो वो फिर पता लग जाता है कि हाँ जी इतनी सीटें इस इत्तेहाद के पास हैं और ये हुकूमत बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो फिर जर्मन चांसलर जो जर्मन प्रेसिडेंट है वो तमाम पार्लियामानी पार्टियां जो है जो पार्लियामेंट में मौजूद होती हैं उनसे अलग अलग मुलाकात करता है और उनसे उनके माइनिंग पूछता है कि भाई आपका मुताबिक अगला चांसलर कौन सा होना चाहिए या आगे की जो जब हुकूमत बननी है उसमें आपका क्या राय है, और उसके बाद फिर वो सारे पार्लियामानी लीडरों से मुलाकात के बाद फिर वो अनाउंस करता है कि हाँ जी फलाना पार्टी को मेंबर को मैं दावा देता हूँ कि वो आके चांसलर का जो लेटर होता है वो इशू करता है, वो कभी इस बंदे को मैं चांसलर, और उसी को इशू किया जाता है जिन्हें श्योर होता है कि हाँ इस बंदे ने चांसलर बन जाना है। उस लेटर इशू होने के बाद फिर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, वहां पे फिर वो आपस में जो है वो अगर दो कैंडिडेट हो तो बकायदा इलेक्शन करवाया जाता है और जो जीतता है वो फिर कैंडिडेट होता है। इस सूरत में जो है इस वक्त 707 का ऐवान था जिसमें 350 मेंबरान ने जो है वो ओल्फ शोल्स जो SPD के हैं उनके हक में गया था कि हम इनको चांसलर पसंद करते हैं, और इस लिहाज से ये जर्मनी के 9वें चांसलर जो है ये मुंतखब हुए हैं और ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 4थे चांसलर हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिसाब से लगाया जाए तो ये जर्मनी के 9वें चांसलर और सोशल डेमोक्रेटिक की 4थे वर्ल्ड। और उसके बाद फिर उन्होंने जो हल्फ उठाया असेंबली के स्पीकर के सामने और उसके बाद फिर ये नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है कि जाने वाला चांसलर वो असेंबली का जो स्पीकर है वो उससे पूछता है कि भाई आप इस वाल को या चांसलर को कबूल करते हैं, तो वो कहता है हाँ मैं कबूल करता हूँ, तो फिर जो जाने वाला चांसलर है वो हाथ मिला के और उसको रुख्सत करता है कि हाँ भी मैं वेलकम करता है कि मैं आपको एज ए चांसलर हवाले करता हूँ चांसलर की सीट और आपको वेलकम करता हूँ, और जहाँ भी यही हुआ है। और जो स्पीकर जो चांसलर ने खिताब किया उसमें उसने विली ब्रांड की पॉलिसी को के साथ साथ जो है एंजेला मर्केल को भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि मैं उनकी जो अच्छी पॉलिसीज थी वो उन्होंने लेकर चली हैं वो और मैं उनको फॉलो करूंगा, क्योंकि वो बाहर हुकूमत का हिस्सा थे, ऑलरेडी वाइस चांसलर थे, वजीर खजाना थे, उसे हटके तो वो बात नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद वो गाड़ियों के जुलूस में उनको ऐवान सदर ले जाया गया और फिर सदर से उनकी बहसियत चांसलर जो थी वो पहली मुलाकात हुई है। बाकी है कि जो हुकूमत है उसने यही कहा है कि भाई मुख्तर जो उन्होंने खिताब किया उन्होंने यही कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना और शहरियत के कानून जो है उसको जदीद बनाना और उजरत में जो कम से कम उजरत है उसको उसमें इजाफा करना, इस तरह जो कोविड की नई सिचुएशन पैदा हो गई है उसमें उससे हमने निपटना जो है ये हमारे लिए चैलेंज है और इनके साथ हम जो है वो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे और इनके साथ हम मतलब मुकाबला है हमारा जो हमने फौरी तौर पर हमें काम करने हैं, तो इसके इनको मिलकर हम सब मिलकर हम अगले बाप का जो है इजाफा करेंगे। उसके बाद जो है कैबिनेट ने हल्फ उठाया है जिसमें
16 के वजरा हैं, इनमें 8 खवातीन हैं और 8 मर्द हैं। जी इसमें एसपीडी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका चांसलर है उसके 7 वजीर हैं, ग्रीन पार्टी के 5 वजीर हैं और फ्री डेमोक्रेटिक जो है उसमें 4 वजीर हैं, और एक जो है वजीरों में 16 में एक जो है वो तुर्की नस्ल से जो है मिस्टर ओजडमीर, ये काफी अरसे से ग्रीन पार्टी के अंदर सरबराह भी रहे ग्रीन पार्टी के, ये भी इन्होंने हल्फ उठाया है एज ए मिनिस्टर के। तो इस तरह एक पहला टर्क मिनिस्टर जो है वो फुटबॉल के अंदर भी टर्क खिलाड़ी अब आ गए नेशनल टीम के अंदर, और अब यह है कि नेशनल कैबिनेट के अंदर भी पहला टर्क मिनिस्टर जो है वो इस तरह शामिल हो गया है। ये तो उनकी कह लें कैबिनेट की वो जो मुकम्मल हुई है हुकूमत, ये उसका एक हल्का सा अंदेशा है। बाकी यह है कि चांसलर जो है यहाँ का रिवायत ये है रही है कि जब भी चांसलर बनता है वो सबसे पहले फ्रांस का दौरा करता है और फ्रांस के साथ जाके मुलाकात करता है। इसी तरह अब जो चांसलर बने हैं शोल्स, उन्होंने भी उनका भी जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसमें ये है कि कल जुमे के दिन वो सुबह यहाँ से फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस में वो अपने फ्रांस के सदर से मुलाकात करेंगे, वहां उनको वेलकम किया जाएगा। उसके बाद वो दोपहर को बेल्जियम, दोपहर के बाद बेल्जियम आएंगे जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात है और यूरोपियन पार्लियामेंट से के मेम्बरान से मुलाकात है, और उसके बाद फिर रात का खाना जो है वो नेटो ने, नेटो के जो सरबराह हैं उन्होंने उनके एजाज में दिया है, वहां उनकी नेटो के सरबराह से मुलाकात भी होगी और उसके बाद वो रात को जो है वापस बर्लिन आ जाएंगे। ये तो नई मतलब जर्मनी में खून बनी है उसके लिहाज से। बड़ा बड़ा इसके अलावा जर्मनी में दो अहम वाकयात हुए हैं, एक तो ये है कि कासल के करीब उन्होंने जो मंदे पकड़े थे जिन्होंने गलत वो लगा रहे थे सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे इसके वैक्सीन के, तो वो उसकी भी कुछ डिटेल आई है कि भाई काफी कुछ 800 के करीब उन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट पकड़े हैं जो गलत इशू मतलब इशू होने थे, 240 के करीब को पर उन्होंने मोरे छोरे भी लगा के रखी हुई थी, वो उन्होंने छापा मारा है फिर पुलिस ने पकड़ा है कई घरों के अंदर। और इसके अलावा ये है कि भाई जो इंसानी स्मगलिंग का काम है जो बास ममालिक जो है पोलैंड है इस किस्म के जो ईस्टर्न ब्लॉक के ममालिक थे उन्हें जर्मनी के अंदर 6-6 महीने के लिए काम करने की इजाजत होती है, वहां से आ जाए और आके जर्मनी काम कर सकते हैं, फिर उनको जर्मनी छोड़ना होता है। उसके लिए गलत अकोमोडेशन वगैरह गलत शनाख्ती कार्ड्स वगैरह वो बनते थे, उसके लिए 1800 पुलिस एहलकारों ने जो है जर्मनी के 4-5 सूबों के अंदर छापे मारे और वहां पे उन्होंने कई काफी काफी बंदों को गिरफ्तार किया है और काफी मतलब लोग जो है वो इस मामले पकड़े हैं जिनको पर बकायदा मुकदमा वगैरह चलेगा, इसकी तफसील जो है अभी आ रही है। और एक दो नहीं बल्कि 49 साल एक 49 ईयर्स का आदमी है जो मेन इसका गैंग का जो सरबराह है, लेकिन इसके अंदर उनका पुलिस ने काफी लोग इन्वॉल्व है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो ईस्टर्न ब्लॉक के लोग थे उनके गलत डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते थे, तो इसकी तफसील जो है एक डेढ़ दिन के अंदर आ जाएगी। और वो जो पहला वाक्य बताया मैंने वो ये है कि वो पुलिस वो जो मालिक मकान था वो मीटर रीड नोट करने के लिए वहां गया था, उसके अंदर वहां उसको शक पड़ा कि भाई यहाँ पे कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तैयार होती है, तो फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने छापा मारा, तो फिर वहां से वो 800 के करीब जो है वो ऐसे गलत वैक्सीन के तैयार सर्टिफिकेट जो है वो मिले थे। जी ये तो जर्मनी का खबरें थी। जो पोलैंड के बारे में जो आपने बताया वो उसमें कुछ जर्मन भी शामिल है कि सारे गैर मुल्की हैं? अभी ये पुलिस ने नहीं बताया कि करने वाले कौन है, ये अभी तक अभी नहीं आई बात बात, लेकिन यह कि ये भी नहीं बताया कि 49 ईयर्स का जो आदमी है वो जर्मन है या बाहर का है, ये तफसील उनका जी हम एक दो दिन पुलिस देगी। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि एक जो हमारे तुर्क जर्मन नेशनलिटी है वो वजीर बने हैं, तो इनके रिलेशनशिप कुछ ना कुछ तो मजबूत होंगे तुर्की और जर्मनी के और ज्यादा। यकीन है जी, जर्मनी का तो जाहिर है कि जिस मुल्क का 3 मिलियन से ऊपर आदमी काम करता हो वहां लाजमी बात है कि दोनों के रिलेशनशिप जो है वो अच्छी है, तभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं।
और इनको भी एहसास है, जर्मनों को भी, कि जर्मन की इंडस्ट्री को चलाने में 3.5 मिलियन तर्क का जो है हाथ है। सवाए इसके कि उर्दगान ने पीछे बहुत सारा पैसा जो यूरोपीय यूनियन की मार्फत दिया था जर्मनी ने भी, कि भाई जो यूनान में लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो आना चाहते हैं बाई शिप्स, उनको रोक के रखे। उस मामले में आपस में थोड़ी सी तल्लुकात खराब हुए थे उर्दगान के साथ, उसने उस वादे को पूरा नहीं किया बल्कि पैसे भी ले लिए थे, जी, लेकिन अब तो हालात नॉर्मल ही है इनके। तो इन्होंने जो कल पहला इंटरव्यू दिया अपनी वजारत के बाद वजीर आजम के, तो इन्होंने यही वैक्सीन के बारे में कहा कि वैक्सीन की ये अहमियत है कि वजीर आजम ने सबसे पहला बयान जो दिया है कि हमारी तवज्जा जो वैक्सीन की तरफ से है और तीसरी वैक्सीन लगा ली जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज सब तो वैक्सीन का ही है, जी तो कोई जर्मनों को लोग लगवा नहीं रहे तो वो इस तरफ ये इनके लिए चैलेंज बना रहा कि लोगों को कायल करें कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, और और कल होटल क्योंकि जर्मनी में फैल रहा है, स्टिल फैल रहा है, तो इसलिए कोशिश उनकी यही है कि लोगों को कायल करें कि वो ज्यादा से ज्यादा टीके वगैरह जो है तीसरा टीका लगवा लें। ये थी नाजरीन जर्मनी की खबरें जो कल हमारे वजीर आजम साहब ने हल उठाया। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा तबसरा लेंगे। नसीर को इजाजत दी।